से सर हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग, जैसे कि अभी हम लोगों ने लाइन कमांड सीखा है, तो लाइन कमांड के थ्रू हम लोग बहुत अच्छे कर्टेन बना सकते हैं। तो हम लोग इस सेशन में देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग कर्टेन की डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी हम लोग कर्टेन की डिजाइनिंग करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग को इसको यहाँ पे ऑफ कर देना चाहिए। और पहले कर्टेन बनाने से पहले हमें कर्टेन का पार्ट तैयार कर लेना चाहिए कि कर्टेन हमें किस तरह का चाहिए सर, ठीक है। अब उसके लिए आप चाहे जैसा कर्टेन बना सकते हैं, लाइक अभी हम लोग के पास लाइन सीखा है इसलिए हम लोग कर्टेन सीखने जा रहे हैं। लाइन के थ्रू हम उसकी मॉडलिंग कर सकते हैं। तो अभी हमने लिया लाइन, और लाइन लेने के बाद यहाँ पर स्मूथ कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे आप जाओगे ये कर लो, ये देखिए यहाँ पर स्मूथनेस आ रहा है। फिर यहाँ पर गए, फिर यहाँ से हमने ले लिया स्मूथनेस, और फिर यहाँ से हमें आराम से इसको टाइम दीजिए, और इस तरह से हमने पाथ बना लिया। जितना अच्छी टाइमिंग इस पर देने से उतना अच्छा कटन आपका तैयार होगा। इस तरह से पाथ तैयार कर दिया सर, और देखा कि सब सही है कि नहीं सही है। एंड आफ्टर इट लाइक एक हमें स्ट्रेट लाइन लाइन लेना चाहिए जो इसके ऊपर पाथ बन के जाएगा, ठीक है। उसके लिए हम लोगों ने शिफ्ट बटन दाब के यहाँ पे इस तरह से लाइन तैयार कर लिया, कटिंग करें। अब ये लाइन इसके ऊपर चले, इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पे ऑटोकैड में कमांड बटन से लॉफ्ट, वैसे ये क्या कमांड है लॉफ्ट, ठीक है, उसके थ्रू हम लोग उसको करेंगे। तो लॉफ्ट कमांड चलाने के लिए आप यहाँ पर आइए, और यहाँ पर आके कंपाउंड ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं सर। यहाँ पर कंपाउंड ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉफ्ट कमांड मिलेगा, ठीक है। जस्ट आपको लॉफ्ट कमांड पर क्लिक करना है। लॉफ्ट कमांड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए तो आपको लिखा हुआ गेट पाथ, ठीक है। तो अगर आपका ये सिलेक्ट है तो अगर पाथ देना है तो आप सीधे गेट पाथ, अगर आपका सेफ सिलेक्ट आपने किया है तो गेट पाथ कर दीजिए, तो पाथ पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो जैसे आपने गेट पाथ किया, अब जैसे आप पाथ पर क्लिक करोगे तुरंत इसके ऊपर ही चल जाएगा, और अगर ये सिलेक्ट होता तो गेट सेफ करके सेफ पर क्लिक कर देते हैं। तो हमने क्या किया, पाथ पर क्लिक कर दिया। जैसे ही पाथ पर हमने क्लिक किया, देखिए उसने पाथ को रीड कर दिया, और देखिए आपके सामने इस तरह से इसने कर्टेन तैयार कर दिया, ठीक है। तो लाइक अगर आपको इसको ओवरव्यू, सॉरी